चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर बुधनी से आपको बता रहा है महंगाई और जन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी का आंदोलन। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, महंगाई और जन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी आंदोलन करने वाली करीब 1,00,000 लोगों के शामिल होने की संभावना यहां पर है। प्रशासन ने बुधनी की सीमाएं भी सील कर दी है क्योंकि इतनी संख्या में जो है लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, तो इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन चौकन्ना है और इसी को देखते हुए सभी सीमाएं सील की गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम आयोजक नेताओं को भी नजरबंद किया गया है। युवा किसान मजदूर आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। आंदोलन रोकने के लिए पुलिस ने बुधनी को छावनी बना दिया है, तो पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से जो है पूरे बंदोबस्त कर लिए हैं, सीमाएं सील कर दी गई ताकि इस प्रकार का कोई आंदोलन जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि आंदोलन हो सकता है और उसको देखते हुए पुलिस अभी से जो है चौकन्नी हो गई और इसी को देखते हुए सीमाएं भी सील की गई है। बुधनी की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है क्योंकि इसमें करीब 1,00,000 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम आयोजक नेताओं को नजरबंद भी किया गया है, तो पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम बंदोबस्त कर लिए हैं। युवा किसान मजदूर इस आंदोलन का हिस्सा बनने वाले हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में जब सभी एकत्रित होने की बात सामने आई तो पुलिस की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है। पुलिस ने भी अपनी तरफ से सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं कर ली है और इसी को देखते हुए जो है आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम आयोजक नेताओं को नजरबंद किया गया है। और इसी खबर पर साधु जानकारी के साथ संवाददाता चंदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदर, जिस प्रकार से खबर ये सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, तो कब ये आंदोलन हो सकता है और पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए, तो क्या क्या कदम यहाँ पर पुलिस की तरफ से उठाए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से? पूनम, मैं आपको बताना चाहूंगा की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी विधानसभा में एक आम आदमी पार्टी सामूहिक बड़ा आंदोलन कर रही है, जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्य जो जन मुद्दे हैं किसानों के उनको लेकर, जिसमें कि कांग्रेस के वर्तमान धार विधायक हीरालाल अलावा आम आदमी के नेता विमलेश आरवी, जो कि शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव लड़े, उनके नेतृत्व में ये चुनाव आज सभा होने वाली है बुधनी के दशहरा मैदान में। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और सिरोही जिला प्रशासन ने सभा को भंग करने के लिए बुधनी के चारों ओर सीमा को सील कर दिया है, जिसमें कि बुधनी से 50 किलोमीटर दूर तक नसलगंज रोड पर भी जगह जगह सैकड़ों पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, जो कि जो सभा में जाने वाले लोग हैं उनको वहीं रोक रहे हैं। अगर उधर होशंगाबाद की बात की जाए तो होशंगाबाद पुल पर बैरिकेड लगा दिया गया, जिससे ना तो कोई होशंगाबाद जा सकता है ना कोई होशंगाबाद से बुधनी आ सकता है। इसी तरह के बेरोजगार किसानों की समस्या को लेकर जो धरना प्रदर्शन है, उसमें एक दर्जन से अधिक भोपाल, इंदौर सहित अन्य जगह के सामाजिक संगठन भी शरीक हो रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाने में साथ देंगे। और आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि इस कार्यक्रम में युवा, बेरोजगार और अन्य लोग करके 1,000 से 1,00,000 से अधिक लोग इकट्ठा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल चंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि युवा, किसान, मजदूर सभी इस आंदोलन का हिस्सा बनने वाले हैं, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पहले की, तो पहले कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाश रही थी, लेकिन अब पैठ मजबूत करने की तैयारी है क्योंकि हर वर्ग को साधना चाह रही है आम आदमी पार्टी यहाँ पर। आपको बताना चाहूंगा पूनम की, जैसा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपनी जमीन तलाश ली है, क्योंकि सिंगरौली में भी एक उनका महापौर है और पूरे जिले में 50 जिलों में 15 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते हैं और सैकड़ों सरपंच भी जीते हैं, इसलिए वह आम आदमी मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनने की फिराक में है। और इस तरह आम आदमी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं जनहितैषी, उनसे लगता है कि आम आदमी तीसरा मोर्चा बनेगी 2023 में। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए चंदर। तो कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा, यानी कि अभी तक बीजेपी, कांग्रेस ही दो पार्टियां मध्य प्रदेश में लीड करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी, जो तरीके से हमने पहले जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी ने अपनी जमीन मध्य प्रदेश में तलाश ली, उसके बाद अब हर वर्ग को यहाँ पर साधा जा रहा है और कहीं ना कहीं अपनी पैठ मजबूत करने की इसे कोशिश कह सकते हैं, क्योंकि हर वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश पूरी पूरी है आम आदमी पार्टी की। और इसी को लेकर जिस प्रकार से बात सामने आ रही है कि युवा, किसान, मजदूर आंदोलन का हिस्सा बनने वाले हैं, तो आगामी चुनाव में अब आम आदमी पार्टी और मजबूती के साथ उतरने की पूरी तैयारी में है।